स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। बाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? क्या बचा? तुम्हारी वजह से तो सब कुछ हुआ है। तुमने ऐसा डिसीजन ही क्यों लिया भोदू? ना तुम जाने की बात करते और ना ही बीजी हमें ये कॉकरोच और चूहों के रूप में बंद करती। यार तुम तो हदो, पहले मुझे घर से भगाने की बात करती हो और वैसे बोल रही हो कि मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था। तुम खुद आए थे कहने के लिए कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तुमने मेरे हाथ से पानी पीने से मना कर दिया था। बेहोश होने वाली थी लेकिन मेरे हाथ से पानी नहीं पिया। इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे? बीजी का हाथ से पानी पिया लेकिन मेरे हाथ से पानी नहीं पिया। अरे अगर तुम इतनी नफरत करती हो मुझसे, मैं क्या करूंगा यहाँ पर रुककर? हाँ जाऊंगा ही ना। अरे पहले मेरी पूरी बात सुन लो। वो पानी मैंने इसलिए नहीं पिया था क्योंकि टप्पू ने उसमें 6-6 नींद की गोलियां मिला दी थी, और अगर मैं उस पानी को पी जाती ना तो मैं हमेशा के लिए सो जाती। और उससे पहले मैं तुम्हें वो पानी पीने से रोकने के लिए आई थी क्योंकि क्योंकि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो जाए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा अरे ओ चुड़ैल, लेने आते बेटा। वो तेरे बचपन के छोटे छोटे कपड़े थे ना, वो तूने कहाँ रखे? बचपन के कपड़े स्टोर रूम में होंगे ना। एक काम करना बेटा, वो जरा लेके आना तेरे बचपन के कपड़े। पुराने कपड़े? पर उनका आप करोगी क्या? वो कपड़ों को देख के तेरे बचपन की सब बातें हैं ना, वो हम याद करेंगे। बड़ी बीजी अभी मूड नहीं, फिर कभी करते हैं ना। हाँ जा जा, मैं मरूं बाद में ले आना, जा जा। अच्छा प्लीज अभी इमोशनल ब्लैकमेल मत करो, शुरू हो जाती है कभी भी। लाती हूँ। अरे ये सिर्फ कैसे टूट गई? भगवान कहाँ रख दिए सारे कपड़े? अरे विराट कुछ चाहिए बेटा? एक्चुअली बीजी मेरे बैग की जिप खराब हो गई है, एक्स्ट्रा बैग मिलेगा? हाँ हाँ बेटा, वहां स्टोर से जाके ले ले। जी ओके थैंक यू। क्या मजाक है, दरवाजा खोलो। नहीं खुलेगा ये दरवाजा जब तक तुम लोग अपने झगड़े ना सुलझा लो और दोस्ती ना करो, ये दरवाजा बंद ही रहेगा। इसीलिए कहती हूँ पैचअप शैचअप कर लो, नहीं तो दरवाजा नहीं खुलेगा। बहुत हो गया। हाँ नहीं तो हाँ मानवी दी, आप प्लीज विराट जीजू को माफ कर दीजिए ना, मेरे लिए माफ कर दीजिए प्लीज मानवी दी। बहुत मेहनत करनी पड़ी उनकी बैग की चेन तोड़ने के लिए, अब आप उनको और गम मत दीजिए प्लीज मानवी दी। टप्पू के बच्चे, तूने मेरी बैग की चेन तोड़ी? नहीं तो टप्पू मैं तेरा भेजा तोड़ दूंगी, खून पी जाऊंगी। गेट खोल। ये दरवाजा तभी खुलेगा जब पहले की तरह तुम दोनों के हंसने की आवाजें सुनाई देगी, तब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा। जी आप इतनी जल्दी उठ गए? रात को आप देर से सोए थे, मुझे नहीं लगा आप सुबह इतनी जल्दी जागोगे। हाँ वो नींद खुल गई बस, इसलिए तैयार हो गया था। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ और भिजवाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे माँ मुझसे कुछ छुपा रही।
कुछ बात है उनके दिल में जो पता नहीं रही, लेकिन अंदर ही अंदर काफी परेशान है। उनसे मिलके आज ये राज पता ही करना होगा। गर्मा गर्म पकौड़े। क्या मस्त खुशबू आ रही है। मानवी दी के स्पेशल फेवरेट पकोड़े। बीजी, आपने ये पकोड़े मानवी दी के लिए बनाए हैं ना? हाँ हाँ बेटा, मानवी को ये पकोड़े बहुत पसंद है, उसी के लिए है। अभी क्या खाएगी वो, उसे क्या भूख है? ला मैं ही खा लेती हूँ। हम सब पकोड़े खत्म भी कर देंगे। खालो 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 बीजी, जल्दी बहुत अच्छे बने। बहुत बढ़िया बने भैया। क्या यार, ये बड़े भी ना कभी कभी बच्चों जैसी हरकत करते हैं। हमें अंदर बंद कर दिया और खुद बाहर गरम गरम पकौड़े खा रहे। वाह, खुद बैठ के पकौड़े खा रहे और हमें यहाँ धूल खिला रहे। अरे, मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ बंद करा है क्या? बाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? कॉकरोच किधर? क्या बचा? तुम्हारी वजह से तो सब कुछ हुआ है। तुमने ऐसा डिसीजन ही क्यों लिया भोदू? ना तुम जाने की बात करते और ना ही बीजी हमें ये कॉकरोच और चूहों के रूप में बंद करती। यार तुम तो हदो, पहले मुझे घर से भगाने की बात करती हो और वैसे बोल रही हो कि मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था। तुम खुद आए थे कहने के लिए कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तुमने मेरे हाथ से पानी पीने से मना कर दिया था। बेहोश होने वाली थी लेकिन मेरे हाथ से पानी नहीं पिया। इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे? बीजी का हाथ से पानी पिया लेकिन मेरे हाथ से पानी नहीं पिया। अरे अगर तुम इतनी नफरत करती हो मुझसे, मैं क्या करूंगा यहाँ पर रुककर? हाँ, जाऊंगा ही ना। अरे पहले मेरी पूरी बात सुन लो। वो पानी मैंने इसलिए नहीं पिया था क्योंकि टप्पू ने उसमें 6-6 नींद की गोलियां मिला दी थी। और अगर मैं उस पानी को पी जाती ना तो मैं हमेशा के लिए सो जाती। और उससे पहले मैं तुम्हें वो पानी पीने से रोकने के लिए आई थी क्योंकि क्योंकि तुम्हें कोई मुश्किल ना हो जाए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा अगर तुम मुझसे इतना प्यार करती हो तो तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना गुस्सा क्यों है? मेरी गलतियों को माफ क्यों नहीं कर देती हो? अरे मुझे तो लगता है कि तुम कभी मेरे पास आओगी नहीं। नहीं विराट, ऐसे नहीं है। विराट, मैं तुमसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकती, सपने में भी नहीं। और पिछले कुछ दिनों में मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया ना, वो सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलवा सकूं, ताकि कल जब हमारा बच्चा हो उसे ऐसा ना लगे कि उसके पापा सिर्फ नाम के लिए। मैं तुम्हारे अंदर पापा वाली क्वालिटीज देखना चाहती थी। मैं समझता हूँ तुमने जो भी किया एकदम सही किया, क्योंकि अगर तुम मेरे एग्जाम नहीं लेती तो मेरे अंदर ना वो जो डैडी वाली क्वालिटी है ना बाहर नहीं आती और मैं एक अच्छा डैडी नहीं बन पाता। आज तुम्हारी वजह से मैं एक अच्छा डैडी बन सकता हूँ। मानवी, इसके बीच में मैंने कोई भी गलती की हो, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। तुमसे ज्यादा मैंने तुम्हें हर्ट किया। क्या क्या नहीं बोला मैंने तुम्हें। I'm sorry. It's okay. तुम तो वही थोड़ी बदतमीज। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम तो मेरी गोल्ड हो, 24 कैरेट गोल्ड, और मैं अपने गोल्ड से बहुत प्यार करता हूँ। La 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 la, ah ha.
ये क्या कर रहा? मना क्यों कर रहे हो? अब तो हमारी लड़ाई खत्म होगी ना। प्लीज यार रेड सिग्नल मत दिखाओ, बहुत टाइम बाद गाड़ी चली, ब्रेक मत मारो। ओके नो प्यार यार। पर क्यों नो प्यार का यार? मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, हम ये सब नहीं कर सकते। मानवी जी हम सब कुछ कर सकते हैं, मैंने प्रॉपर रिसर्च की है एंड डॉक्टर से पूछा है। डॉक्टर ने कहा सब करो, कोई बैन शैन नहीं। ओके तुमने डॉक्टर से पूछ डाला ये सब? शर्म नहीं आई तुम्हें? बेशरम। क्यों? जिसने की शर्म उसके फूटे गरम। चलो लगता है तुम दोनों का युद्ध खत्म हो गया है। जी बीजी हमारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। हमेशा ऐसे ही रहना, फिर से जो हंगामा किया ना तो डंडे पड़े। नहीं नहीं बड़ी बीजी, हमें आपके डंडे नहीं खाने, हम अब कभी लड़ाई नहीं करेंगे। प्रॉमिस। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।